हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल जज्बा। तो एमएस वर्ड का सीक्वेंस चल रहा है और आप सभी पिछली सारी वीडियोस देख चुके होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप पिछली वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए पुराना सारा वीडियोस देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर के आप एमएस वर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप अगर चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई लिस्ट तैयार करना, तो उसमें बुलेट एंड नंबरिंग लगा करके अपने लिस्ट को आप मीनिंगफुल और खूबसूरत बना सकते हैं। या फिर आप अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट का क्या क्या यूज़ है और उसमें कितने ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा कैसे बॉर्डर लगाते हैं, या फिर कैसे पैराग्राफ पर शेडो लगाया जाता है, या पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से इस चीज़ को बताऊंगा। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड 2016 के अंदर बुलेट एंड नंबरिंग लगाना और पैराग्राफ सेटिंग करना। तो देखते हैं सबसे पहले हम बुलेट एंड नंबरिंग कैसे लगाते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग जो है वो किसी भी तरह के लिस्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। मान लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कुछ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स या कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लिखना चाहते हैं लिस्ट वाइज, तो हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसे सेलेक्ट करके इसे बुलेट या नंबरिंग के ज़रिए अच्छे से शो कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह के हम लोग बुलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कुछ बुलेट दिख रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए हम लोग यहाँ पर एक बुलेट लगा लेते हैं, आप ये तो अब देख सकते हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट इंटर करते हैं, तो एक और बुलेट हमें खुद ब खुद मिल जाता है। मान लिया यहाँ मैंने लिख लिया HDD, फिर मैंने लिख लिया RAM। तो इस तरह से लिस्ट वाइज तैयार कर सकते हैं। जस्ट इसी तरह से हम लोग बुलेट की जगह नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर के लिए नंबरिंग वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग किसी भी तरह का नंबर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मान लिया ये नंबर मैंने यूज़ कर लिया, तो ये देख सकते हैं नंबर। यहाँ अगर हम चाहें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहें रोमन नंबर लगाना, अल्फ़ाबेट लगाना, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये था बुलेट एंड नंबरिंग का यूज़। अब बुलेट एंड नंबरिंग के अंदर ही एक और आता है, मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए, मल्टी लेवल लिस्ट क्या है कि एक किसी प्रोडक्ट या किसी टॉपिक के अंदर कोई अगर टॉपिक हो, तो वो सेकंड लेवल स्टार्ट करना होता है, उसके फिर उसके अंदर थर्ड लेवल स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए जस्ट उसके बाद वाले में हम आते हैं, और यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे ये बुलेट का मल्टी लेवल लिस्ट है, ये नंबरिंग का बुलेट मल्टी लेवल लिस्ट है, ये नंबर और बुलेट दोनों का है। तो यहाँ मान लिया मैंने नंबर का मल्टी लेवल लिस्ट ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि छठा जो है वो है रैम। रैम के अंदर अगर हमें दिखाना है रैम का पार्ट अलग अलग तरह का, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आ गया 7 नंबर। लेकिन हमें रैम के आगे का कुछ नहीं लिखना है, बल्कि रैम के अंदर कई तरह के रैम हैं वो दिखाना है। तो हम एक बार टैब प्रेस करते हैं। जैसे ही टैब प्रेस करते हैं, तो एक सेकंड लेवल स्टार्ट होता है जो कि अल्फ़ाबेट से दिख रहा है। तो ये है कि 6 के अंदर, यानी कि 6 नंबर के अंदर ये दूसरा लेवल है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं SRAM, फिर लिखते हैं हम DRAM। अब डी रैम के अंदर फिर हमें लिखना है कि अलग अलग हैं। तो डी रैम के अंदर भी अगर कोई आता है, तो फिर से हम एक बार टैब प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं SDRAM। तो इस तरह से जो है आप आसानी से मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब SDRAM के अंदर भी अगर कुछ लिखना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो आप एक बार बैक स्पेस दबाएं और बैक हो सकते हैं, एक बार और बैक दबाएं तो फिर पीछे आप आ सकते हैं, अगर इस रैम के लिस्ट में लेवल में लिखना है तो। और अगर रैम के लेवल में आपको जाना है, तो एक बार और बैक स्पेस दबाएं और 7 नंबर आ चुका है, और आप यहां आगे से लिस्ट बढ़ा सकते हैं। तो समझ चुके होंगे आपके बुलेट एंड नंबरिंग क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सिक्वेंस वाइज नहीं है, तो इसे हम अगर सॉर्ट करना चाहें अल्फ़ाबेटिकल या नंबर वाइज, तो आप यहाँ शॉर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट है, पैराग्राफ ही रहने दें, आप हेडिंग वाइज कर सकते हैं, फील्ड वाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट वाइज करना है, नंबर वाइज करना है, या डेट वाइज करना है। तो नंबर है तो नंबरिंग वाइज भी कर सकते थे और डेट वाइज भी। अभी असेंडिंग मतलब A to Z जाएगा, और डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो चलिए हम यहाँ से टेक्स्ट रहने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं C के बाद M है, M के बाद K है, K के बाद M है, फिर H है, फिर R है। तो इसे अल्फ़ाबेटिकल सेट कर लेता है। अब देखिए, C के बाद H आता है, H के बाद K, K के बाद M, फिर M, फिर R। तो ये हुआ सीक्वेंस वाइज। अगर इसे डिसेंडिंग में करना चाहें, तो डिसेंडिंग में कर लें, जस्ट उल्टा हो जाता है। ये था सॉर्टिंग। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं पैराग्राफ सेटिंग के बारे में।
देखते हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग के लिए पहले हमारे पास पैराग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सामने में जस्ट तीन पैराग्राफ दिख रहा है। अब इस पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पैराग्राफ सेटिंग के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ पर एक बार में सेटिंग करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर एक टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो जाता है किसी एक पैराग्राफ का तो उस पूरे पैराग्राफ पर इफेक्ट पड़ता है। और अगर एक ही पैराग्राफ पर काम करना है तो बिना सेलेक्ट किए आप कर्सर को कहीं भी रख दें वो पूरे पैराग्राफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ कर्सर रख लिया फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। और यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं इंडेंट, इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज। इंडेंट इंक्रीज है कि आप पैराग्राफ अपने पेज में कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कहाँ से लिखना चाहते हैं। कुछ आपको तो जो है मार्जिन दिख रहा है, उस मार्जिन के अलावा अगर आप एरिया छोड़ना चाहते हैं लेफ्ट या राइट से तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ लेफ्ट से छोड़ने के लिए देता है। तो यहाँ पे इंडेंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टैब यानी कि 0.5 इंच स्पेस ले लेता है आगे। इस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना चाहें, फिर आप डिक्रीज़ करके उसे वापस कर सकते हैं। ये है इंडेंट। जस्ट उसके बाद है पैराग्राफ शो करना। तो ये है शो और हाइड, मतलब पैराग्राफ तो पहले से होता है, यहाँ शो और हाइड कर सकते हैं। तो ये है पैराग्राफ का सिंबल, छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे ये हैं स्पेस के सिंबल, और एक होते हैं टैब के सिंबल। तो देखिए टैब के सिंबल इस तरह के एरो होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है पैराग्राफ शो और हिडन, यहाँ से हम हटा लेते हैं वापस। अब आता है सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये है अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में होते हैं जस्ट चार अलाइनमेंट। चार अलाइनमेंट में सबसे पहले जो है वो है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एल। और देख सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन से होता यह है कि लेफ्ट से सब कुछ बराबर होता है टेक्स्ट, राइट से बराबर नहीं होता है, और ये लेफ्ट साइड से लिखना भी शुरू करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट है सेलेक्ट। इसे सेंटर कर दिया जाए तो ये हो जाता है बीच से स्टार्ट, और ना ही लेफ्ट में बराबर होता है ना ही राइट में बराबर होता है। अगर हम न्यू पैराग्राफ लिखना शुरू करें तो ये बीच से टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करता है और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पढ़ता जाता है। अगर राइट पैराग्राफ सेलेक्ट कर दें तो राइट से ये बराबर हो जाता है, लेफ्ट में बराबर नहीं रहता है, और जब भी हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाता है, लिखेगा बिल्कुल सीधा लेकिन डायरेक्शन राइट से बढ़ता जाएगा। अब जो है जस्टिफाई है, सबसे ज़्यादा बुक या पेपर वगैरह में यूज़ किया जाता है जस्टिफाई। और जस्टिफाई से क्या होता है कि दोनों तरफ टेक्स्ट बराबर हो जाता है, लिखता है लेफ्ट से ही, डायरेक्शन लेफ्ट राइट होता है, बट लेफ्ट में भी पैराग्राफ बराबर होता है और राइट में भी पैराग्राफ बराबर होता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पैराग्राफ बराबर है। तो ये एक पर है। अगर हम ऑल सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर दें तो ये मेरा टोटल पैराग्राफ कुछ इसी तरह का हो जाता है। देख सकते हैं इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। अब है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में सबसे पहले जो है लाइन स्पेसिंग है। अब आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर आपको कई लाइन दिख रहे हैं, इन दो लाइन के बीच आप देखें जो स्पेस है वो स्पेस कम या ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बिना सेलेक्ट किए हम करते हैं अभी, ये 1.0 मतलब जो पहले से था उससे भी कम हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 रहता है। अब 1.5 कर दें तो देखें आप ज़्यादा स्पेस हो गया, 2.0 और ज़्यादा, 2.5 और ज़्यादा, 3.0 बहुत ज़्यादा हो गया। इस तरह से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाए तो आपको और भी ज़्यादा दिखता है। तो ये है लाइन स्पेसिंग, समझ चुके होंगे कि क्या है। देखिए लाइन स्पेसिंग मैंने सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि आप क्लियरली समझ लें इस चीज़ को। चलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1.15 रहता है, इसे मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ और नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। तो इन दोनों के बीच अच्छी खासी कैपिंग दिख रही है। ये इसलिए है कि आप नीचे देख सकते हैं रिमूव आफ्टर पैराग्राफ दिख रहा है। तो रिमूव करने के लिए दिख रहा है मतलब पहले से ये पैराग्राफ है ऐड, तो इसे हम रिमूव कर दें। तो सॉरी इस पैराग्राफ पर हम रह करके किया कि मैंने, तो नीचे वाला पैराग्राफ जो है उसमें एडजस्ट हो गया, ऊपर वाले पर आकर जो है इसे हम रिमूव कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच कोई स्पेस नहीं रह गया है ज़्यादा। अब जो है हम चाहते हैं कि इसके बीच स्पेस आ जाए, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं आफ्टर। अब नीचे सबसे आते हैं, नीचे सबसे आते हैं तो इसके नीचे वाला को कहेंगे आफ्टर स्पेस आफ्टर है, इसके ऊपर वाला कहेंगे बिफोर, बिफोर में नहीं है, तो हम इसे बिफोर दे करके इस बार दिखाते हैं बिफोर स्पेस। तो देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के ऊपर में इसने स्पेस ले लिया, तो ये था। नेक्स्ट है शेडिंग। शेडिंग जो है वो जिस पैराग्राफ पर आप हैं वो पूरे पैराग्राफ पर शेड लग जाता है, देख सकते हैं। मेरा कर्सर तीसरे पैराग्राफ पर है तो और तीसरे में आप शेडिंग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर में जाकर के आप और भी ज़्यादा कलर का यूज़ कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। तो ये है शेडिंग, तीनों में लगाना है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। पूरे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा कर लिया, मतलब समझ लें कि ये जिस जिस पैराग्राफ के टेक्स्ट को टच करता है वो सब पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए होंगे आप क्या है शेडिंग।
चलिए नेक्स्ट है, ये है बॉर्डर। अब इन तीनों में हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए राइट राइट में आप, लेफ्ट में बॉर्डर, इसी तरह से जिधर जिधर आप बॉर्डर चाहें। हम ऑल बॉर्डर लगाते हैं तो ये पूरे पैराग्राफ के बीच बीच में बॉर्डर लगा दिया गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो ये था पैराग्राफ सेटिंग। अब पैराग्राफ सेटिंग एक चीज़ और आप देख लें, बीच वाले हम पैराग्राफ पर हैं और यहाँ डायलॉग बॉक्स लंचर पर क्लिक करते हैं। यहाँ डायलॉग बॉक्स लंचर में सबसे पहले आपको दिख रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में चार अलाइनमेंट जो आप यहाँ देख चुके हैं, और उसके बाद जो है बॉडी टेक्स्ट। ये तो बॉडी टेक्स्ट है, ये लेवल वाइज अगर हम लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए है। इंडेंट, इंडेंटेशन आप यहाँ से यूज़ कर चुके थे, लेकिन यहाँ जो है राइट और लेफ्ट आप जिधर से भी चाहें सेट कर सकते हैं। मतलब राइट से आप कहाँ से करना शुरू कर चाहते हैं वहाँ से आप सेट कर लें, इधर से बढ़ा करके। यहाँ आप प्रिव्यू देख सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से राइट से भी आप चाहें तो राइट से भी बढ़ा सकते हैं इंडेंटेशन। अब है स्पेस, तो स्पेस जो स्पेशल सॉरी स्पेशल जो है वो है, आप किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को आप कभी कभी बुक वगैरह में देखते होंगे कि वो थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिखा जाता है और फिर बाकी सीधा जहाँ से लिखा जाता है पूरी लाइन सेम जगह से, लेकिन फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे से रहता है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे है। जस्ट इसके उल्टा है एक हैंगिंग, तो ये फर्स्ट लाइन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से शुरू करेगा, लेकिन बाकी के लाइन को जो है एक टैब आगे शिफ्ट कर देता है। देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग कितनी होती है, तो 0.5 इस फर्स्ट लाइन का हो या हैंगिंग का हो, तो इसको हम लोग चाहें तो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फर्स्ट लाइन, तो हमने फर्स्ट लाइन का यूज़ किया और यहाँ से क्लिक कर दिया। देखिए फर्स्ट लाइन का जो है ये एक टैब स्पेस लेकर के है, तो उम्मीद है कि आप ये बात भी समझ चुके होंगे। जस्ट उसी तरह से स्पेसिंग है ये पैराग्राफ का, आफ्टर बिफोर जो हम लोग बाहर से भी कर चुके हैं। ये है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग जो हम लोग वहाँ से कर चुके हैं। ये नाम से कुछ दिख रहा है, एक्जैक्टली एटलीस्ट मल्टीपल, तो इस तरह से आप जो भी चाहें यहाँ पर आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं चेंज कर करके कितना स्पेस ले रहा है कौन सा, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप इसमें कुछ सेटिंग कर देते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जैसा रहता है वैसा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पैराग्राफ सेटिंग से रिलेटेड आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। होम टैब के अंदर ये बहुत ही कॉमन सेटिंग्स है जो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैं होम टैब के अंदर सभी को बता रहा हूँ। लेकिन आगे अब मैं एडवांस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एक और टॉपिक बच रहा है जो फाइंड रिप्लेस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।